जब श्री व्यास देव अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यास देव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र उधर से गया तो उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है और जब वह उन सब की ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। भगवत गीता में 5:18 कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी दिव्य दृष्टि के कारण एक विद्वान भद्र ब्राह्मण चांडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, है? जानते हैं 5:18 श्लोक गीता का क्या है? सुनिचय सुपाक्य चा पंडिता समदर्शन है। सबको पता होना चाहिए ये श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तनी सुनिचय सुपाक्य चा पंडिता समदर्शन है। पंडित का की परिभाषा ये है कि विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण और गाय हाथी कुत्ता और चांडाल में समान दृष्टि रखने वाला है ना। तो ये जो है समता भगवत गीता की है, ऐसी समता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी गीता में ये समता नहीं बताएंगे कि स्त्री पुरुष में समान कहीं है? नहीं, स्त्री पुरुष में समान दृष्टि हो ये गीता में नहीं बताएगी। गाय कुत्ता चांडाल हाथी, इसमें आप समता का अभ्यास करो, कोई खतरा नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर इसमें आप समता का अभ्यास करो तो इसमें कोई खतरा नहीं है, है? या सुख दुख में भगवान का सम, सम दुख सुखा है कि नहीं, शीत उष्ण सर्दी गर्मी में समता, इनका अभ्यास करो तो कोई खतरा नहीं है, है? खतरा है किसमें? अगर आप समता का अभ्यास करते हो स्त्री पुरुष में, बहुत खतरा है। इसलिए गीता में कहीं नहीं मतलब इस तरह की बात बताई गई कि जिसमें खतरा हो, नहीं। सुखदेव गोस्वामी जो है समान है स्त्री पुरुष में, है ना। लेकिन ये जो है कोई व्यवहारिक नहीं है कि कोई व्यक्ति नकल करे इस चीज की। तो प्रभुपाद जी जो है गीता से उदाहरण दे रहे हैं तो यहां तक है। क्या कि ब्राह्मण कुत्ता और हाथी और गाय और चांडाल पंडिता समदर्शी है, समदर्शी है, पंडित समदर्शी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वस्त्रों में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं। किसको जान गईं? सुखदेव गोस्वामी निकल रहे थे, उनकी चेष्टाओं से जान गईं। चेष्टा से पता चलता है, किसी भी व्यक्ति की चेष्टा से पता चलता है कि उसके मन का क्या भाव है। हम भी किसी व्यक्ति को देख करके समझ सकते हैं उसके मन की भावना कैसी है, अच्छी है या बुरी है, उसकी मन में क्या विचार हैं। अगर वो छिपाता नहीं है तो उसके चेहरे को देख करके, उसकी चेष्टाओं को देख करके पता चल जाता है कि किसके अंदर अच्छी भावना है, किसी के अंदर किसके अंदर बुरी भावना है कि नहीं, या किसी के अंदर उदासीन है, कोई उदासीन है कि नहीं, या कोई सुहृद है, सद्भावना है, इसका पता चलता है देख करके। तो सुखदेव गोस्वामी को जब देखा वहां से निकलते हुए और व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं अपना घर छोड़ करके और व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। किस कारण से? अपने पुत्र के प्रति
आसक्ति के कारण जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी की स्थिति एक तो क्या है कि जवान है वो, और दूसरी स्थिति क्या है कि वे नग्न हैं। जवान भी हैं और नग्न भी हैं, और यहां जो स्त्रियां हैं वो भी नग्न स्नान कर रही हैं, लेकिन तो भी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, उनको लज्जा नहीं आई। देवियों, यहां श्लोक में है देवियों, देवियां ये कोई वेश्याएं नहीं है। जो वेश्या है तो वो उसको लज्जा नहीं होती किसी नग्न पुरुष को देखे और वो भी नग्न है। तो आजकल तो वेश्याओं की संख्या कम नहीं है, बहुत वेश्याएं हैं, है ना। तो ये जो देवियां हैं ये वस्त्र नहीं धारण कर रही हैं सुखदेव गोस्वामी को देख करके, तो ये वो नहीं है वेश्याएं, आप समझ रहे हैं। इसलिए शब्द प्रयोग किया गया है देवियों, देवियों रिया न पद, उनको लज्जा नहीं आई, स्त्रियों को लज्जा नहीं आई। तो इसका कारण क्या है, स्त्रियों का तो लज्जा ही भूषण है, स्त्रियों का तो लज्जा ही भूषण है, अगर स्त्री में लज्जा नहीं है तो वो फिर क्या है, वेश्या है कि नहीं। लेकिन यहां पर उनको लज्जा नहीं आई तो वो कारण नहीं है कि वो निर्लज्ज हैं। ये जो स्त्रियां हैं जो वस्त्र धारण नहीं कर रही हैं तो ये निर्लज्ज स्त्रियां नहीं है, ये देवियां हैं। तो फिर क्यों वस्त्र धारण नहीं कर रही हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की जो दृष्टि है वो बिल्कुल बालक के समान है। एक जो है ना नग्न बालक होता है तो उसको भी जो है ना कुछ ख्याल नहीं होता है, स्त्री पुरुष का कोई विचार नहीं करता है, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है जो माताएं हैं वो भी चिंता नहीं करती हैं कि बालक को देख करके वो जो है ना विशेष अपने को ढके या कुछ वस्त्र धारण करें, ऐसा नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी की जो स्थिति है वो एक निर्दोष बालक के समान है। हमने सुना था एक कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, तो कवि सम्मेलन में एक बार मंच पर वो जो है कविता सुना रही थी तो लोग बड़े उद्विग्न हो गए। बाद में पता चला नहीं नहीं ठीक है, लेकिन शुरू में बड़े उद्विग्न हो गए। उन्होंने क्या कहा, हालांकि वो बच्चे की स्थिति, मतलब माँ जो है बच्चे को जब जन्म देती है तो कैसी स्थिति होती है, तो वो वर्णन कर रही हैं। लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत गलत वर्णन कर रही हैं। तो वो कहती हैं, मैं लेटी थी वह भी लेटा था, मैं नंगी थी वह भी नंगा था, अंतर केवल इतना था मैं माँ थी वह बेटा था। तो शुरू में तो लोग बड़े उद्विग्न हो गए कि ये क्या बता रही हैं, लेकिन बाद में जब कहा कि मैं माँ थी और वह बेटा था तो बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, है? अगर माँ जो है नग्न है और बच्चा भी नग्न है और वो जन्मा है बच्चा, तो उसमें क्या दोष है, कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से जो है ये जो स्त्रियां हैं सुखदेव गोस्वामी को एक निर्दोष बालक के समान देख रही हैं, इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं कर रही हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनमें लज्जा नहीं है, जहां पर लज्जा करना चाहिए उन्होंने लज्जा की। और जैसे ही व्यासदेव जो सुखदेव गोस्वामी के पिता थे वो गुजरे, उन्होंने तुरंत लज्जा की और वस्त्र धारण किए। यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना अबोध है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था, वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थीं। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे अतः वे अबोध प्रतीत हो रहे थे। तो जो बालक की अवस्था है वो बड़ी शुद्ध होती है, जब उसे जो स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता है तो वो बड़ी शुद्ध अवस्था है बालक की। हालांकि सुखदेव गोस्वामी को स्त्री पुरुष का ज्ञान है क्योंकि वो उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन तो भी उनका शरीर और मन दूषित नहीं है क्योंकि कभी विचार किए नहीं। इस कारण से जो है ना उनकी जो स्थिति है वो बड़ी शुद्ध है। प्रभुपाल लिखते हैं स्त्रियां
अपने विशेष गुणों से इसे तुरंत जान गई। अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की कोई परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र पहन लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी थीं। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन यहां पर स्त्रियों के लिए उचित था कि वो वस्त्र धारण करें। हालांकि व्यासदेव वृद्ध हैं और उनके पिता जैसे या उनके पितामह जैसे हैं, लेकिन तो भी उचित है। ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो बच्चियां हैं, बच्चियों को क्या शर्म नग्न है, नहीं, क्योंकि उनके अंग विकसित हैं, है ना। तो छोटी बच्ची है वो अपने पिता के सामने नग्न रहती है, लेकिन जैसे ही वो जवान हो जाती है तो फिर ये उचित नहीं है कि उसके वृद्ध पिता हैं तो जो है ना कोई चिंता ना करे। नहीं, ये जो है ना प्रभुपाद लिखते हैं कि सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं रह सकता। हरे कृष्ण प्रभु। तो गृहस्थ के लिए जरूरी है, अगर गृहस्थ ऐसा हो तो वो क्या माना जाएगा? अयोग्य। आप समझ रहे हैं? अगर गृहस्थ इसी प्रकार का हो जाए, सुखदेव गोस्वामी है कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं देखता, तो क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा, है कि नहीं? तो गृहस्थ के लिए जरूरी है कि वो भेद देखे। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। तो जानना जरूरी है, स्त्री पुरुष में अंतर है वो जानना जरूरी है, इन आसक्ति से रहित होकर के जानना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यासदेव की अयोग्यता है। यहां प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में विशेष बात बता रहे हैं वो ये है कि हम अपराध ना करें। ये नहीं सोचना चाहिए, कई लोग तो यही इसी प्रकार का अर्थ निकालेंगे, अगर तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे श्लोक का तो ये अर्थ निकालेंगे भाई व्यास जी में अयोग्यता है, सुखदेव गोस्वामी बहुत योग्य हैं कि उनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है, भेद का ज्ञान नहीं है, और व्यास जी अयोग्य हैं, सुखदेव गोस्वामी की स्थिति बहुत ऊंची है व्यास जी की तुलना में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि यहाँ सौनक ऋषि सुध गोस्वामी से बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की विशेषता, विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, विशेषता यह है सुखदेव गोस्वामी में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि व्यासदेव में कोई कमी है, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपराध कर बैठते हैं कि किसी को अगर ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं तो दूसरे को फिर निकृष्ट मानने लगते हैं। तो व्यासदेव को देख करके उन स्त्रियों ने लज्जा से वस्त्र धारण किए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि व्यासदेव में अयोग्यता है। व्यासदेव में अपनी योग्यता है, अपनी स्थिति के अनुसार योग्यता है ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की कुछ विशेषता है जिसमें कि सौनक ऋषि सुध गोस्वामी से चर्चा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। स्त्री और पुरुष में अंतर देखना जरूरी है। जैसे ही व्यक्ति बड़ा होता है उसकी इंद्रियां विकसित होती हैं, तो स्त्री पुरुष में अंतर भी देखना जरूरी है। लेकिन कैसे अंतर देखना चाहिए? हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा, कृष्ण प्रिय बहुत अच्छा बता रहे हैं। परदारेश मातृवत, परा स्त्री में माता के समान, माता के समान तो अभी ये नहीं है कि भाई खुले रहें, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है मात्रा शस्त्रा दुहित्रा व नाभिव्यक्त आसनो भवे। ठीक है, पराई स्त्रियां माता के समान है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे बच्चा है माता की गोद में लेट जाता है तो क्या ऐसा करें? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बच्चे नहीं हैं। अगर माँ है और हम भी जवान है तो जवान लड़का जो है माँ की गोद में नहीं लेटता कभी। जो छोटा बच्चा है वो माँ की गोद में लेट जाता है, जवान नहीं। तो
तो ध्यान रखना है, इसी का ध्यान रखना है। मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अभिकर्षति। जो विद्वान व्यक्ति है उसको भी आकर्षित करती हैं इंद्रियां, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माता हो या पुत्री हो या बहन हो, तो शास्त्र में बताया कि ब्रह्मचारी भी जो है गुरुकुल में अगर गुरु माता की सेवा करता है तो ये नहीं गुरु की सेवा करता है पैर दबाता है, लेकिन ये नहीं है कि गुरु माता के भी जो है ना पैर दबाए, इस प्रकार से उनको जो है ना स्पर्श करे सेवा के लिए भी ये उचित नहीं है। तो कुछ निर्देश हैं कि इस तरह का जो है व्यवहार ना करो, है ना, तो बातें बताई गई हैं। व्यासदेव के शिष्य जैमिनी थे, जैमिनी तो सुखदेव गोस्वामी की जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति व्यासदेव के किसी भी शिष्य की नहीं थी। इन जैमिनी ऋषि ने जब भागवत में ये श्लोक देखा तो व्यास जी से पूछा कि ये तो आपने जो है ना ठीक नहीं लिखा, विद्वान को क्यों आकर्षित करेंगी इंद्रियां, हैं? तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, जैमिनी ऋषि अपने आश्रम में थे और पानी बरस रहा था और रात हो गई और एक स्त्री भीगी भीगी उनके आश्रम में आई है और दरवाजा खटखटाया, बोली कि मेरे पति जो है ना यहाँ पर कहीं खो गए हैं, अभी रात भर मुझे विश्राम करने दीजिए और मैं जो है आपके शरण में आई। तो जैमिनी कहते हैं कि ठीक है मैं तुमको जो है आश्रय देता हूँ, तुम यहाँ कमरे के अंदर रहो, अंदर से दरवाजा बंद करो और मैं बाहर रहूंगा, और मगर मैं भी अगर खुलवाऊं तो भी नहीं खोलना दरवाजा, कोई किसी को भी खोलना नहीं, कोई भी दरवाजा खुलवाए दरवाजा नहीं खोलना। तो ठीक है जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तो स्त्री घर के अंदर थी और जैमिनी ऋषि जो है बाहर थे कुटिया के, लेकिन वो चिंतन करते करते क्या हुआ, ध्याये दो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामहा। तो ध्यान करते करते संग से कामना उत्पन्न हुई और दरवाजा खटखटाया। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तो नहीं खोल सकती, आपने कहा था कि मैं ना खोलूं, बोले नहीं नहीं खोलो खोलो। तो वो बोली मैं तो नहीं खोलूंगी, तो वो जो है ना दरवाजे से ऊपर जो दीवाल थी दीवाल के ऊपर से चढ़ करके और नीचे आना चाहते थे, तो वो स्त्री उस समय दरवाजा खोल करके बाहर की तरफ भागी और ये अंदर आ गए और वो बाहर आ गई। अब दरवाजा खुला हुआ था तो ये जो है उस स्त्री के पीछे दौड़ने लगे और दौड़ करके उस स्त्री को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो क्या देखा कि व्यास देव थे, उनके गुरु महाराज व्यास और रंगे हाथों पकड़ा, बोले आप बताओ ये जो श्लोक है भागवतम का वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से मतलब कोई व्यक्ति ये जो है चुनौती ना दे कि नहीं मैं तो जो है ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। जहां भगवान की माया को चुनौती दी वहीं पर क्या है आप कमजोर पड़ जाएंगे, है कि नहीं। यहां तक शिव जी ने भी चुनौती दी, जब भगवान ने कहा कि वो मोहिनी रूप जो है तुम मेरा मत देखो, वो रूप जो है असुरों को आकर्षित करने के लिए मैंने धारण किया था, तो शिव जी नहीं देख पाए थे मोहिनी रूप भगवान का, क्योंकि जब शिव जी ने जहर खाया तो जहर के प्रभाव से कुछ उनकी चेतना जो है लौटी नहीं थी, अचेत रहे, और तब तक जो है अमृत उत्पन्न हुआ और वो असुरों में झगड़ा हुआ अमृत के कारण, और भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों से अमृत ले लिया और उस अमृत को फिर देवताओं में बांटा, और इसके बाद फिर मोहिनी रूप त्याग करके अपने पुरुष रूप में आ गए। तो शिव जी को जब पता चला कि इस बीच में भगवान ने तो एक और भी अवतार धारण किया, तो शिव जी की इच्छा होती कि सब अवतार देखूं भगवान के, तो भगवान के पास गए, बोले मैंने आपका वो अवतार नहीं देखा मोहिनी, तो भगवान कहते वो रूप जो है मैंने असुरों को मोहित करने के लिए धारण किया था। तो शिव जी कहते मैं थोड़ी असुर हूं, मैं थोड़ी मोहित होऊंगा।
तो जहां शिव जी में आत्मविश्वास हुआ कि नहीं नहीं मैं तो नहीं होऊंगा, और वैसे ही हुआ फिर है? तो सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ, भगवान ने वो मोहिनी रूप दिखलाया और शिव जी पार्वती जी के सामने ही लज्जा छोड़कर के मोहिनी के पीछे भागने लगे ना। तो ये मतलब है कि कोई इस तरह की जो ना अभ्यास न करे कि भाई मैं इतना ऊंचा उठ गया हूं तो मैं परीक्षा करूं अपनी, ऐसा नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कभी कहा, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कभी कहा कि मुझ में तुम में एक यही अंतर है कि अगर एक बंद कमरे में तुम नग्न स्त्री को देखोगे तो गिर जाओगे, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। प्रभुपाद ने कहा, लेकिन ये कभी दिखाया नहीं, प्रभुपाद ने कभी ये प्रैक्टिकल करके नहीं दिखलाया इस तरह से। तो ये चीज जो है कोई विधि नहीं है, शास्त्र की विधि नहीं है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रयोग करे कि भाई मैं इतना ऊंचा उठ गया हूं तो अब मैं भी इस चीज का अभ्यास करूं। और सुखदेव गोस्वामी भी कोई प्रयोग नहीं कर रहे थे, वो जब निकल रहे थे तो अपने स्वाभाविक स्थिति में थे और वो जा रहे थे वहां से। तो यहां पर ये समझना है कि ये जो है कोई नकल करने वाली बात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, है ना। तो कई लोग दिखाने की चेष्टा करते हैं इस तरह की स्थिति दिखाने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि रजनीश के बारे में सुना है कि रजनीश ने जो है इस बात का दावा किया कि वो स्त्री में आसक्त नहीं होंगे। तो जैसा हमने सुना है कि विदेश में या अमेरिका में कहीं पर बड़ी प्रसिद्ध विषय थी, उसको नियुक्त किया गया कि भाई ठीक है इनको जो है आप लुभाओ। तो एक रात वो रहे, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, फिर लोग बड़े चकित हुए, बहुत भाई बहुत ऊंचे पहुंचे हुए हैं। दूसरी रात रहे, कुछ नहीं हुआ, तीसरी रात में वो गिर गए। इसके बाद फिर रजनीश ने इस चीज का समर्थन करने के लिए फिर इसको जो है अपनी संस्था में लागू कर दिया कि भाई स्त्री पुरुष में अब कोई मतलब ये भेद ना देखो, मतलब जैसे चाहो वैसे संगति करो स्त्री पुरुष का। और वो एक किताब भी लिखी, संभोग से मोक्ष तक, अंग्रेजी में फ्रॉम सेक्स टू सल्वेशन, संभोग से समाधि, संभोग से समाधि तक, या फ्रॉम सेक्स टू सल्वेशन, वो किताब लिखी। फिर उसका समर्थन कर दिया, फिर उसकी संस्था में ये सब चीजें मतलब बिल्कुल खुलेआम लागू हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना इस चीज का अभ्यास ना करे या इस तरह की परीक्षा ना करे या अपनी परीक्षा ना होने दे या इस तरह का दावा ना करे। प्रभुपाद ने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया, एक बार कभी बोला तो किसी कारण से बोला, लेकिन ये नहीं कि प्रभुपाद जी इस तरह का दावा करते थे कि नहीं देख लो मैं इतना उठा हुआ हूं। हाँ, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि एड्स की बीमारी से रजनीश की मृत्यु हुई, क्योंकि उन्मुक्त यौन संबंध उसने जो है लागू कर दिया था। तो ये चीजें हैं, मतलब इसलिए नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी निकल रहे हैं तो भाई चलो ठीक है हमारे वो आचार्य हैं तो ठीक है हम भी ऐसे ही करें। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कम से कम सैद्धांतिक रूप से उसे आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जीव ना तो नर है ना नारी। सैद्धांतिक रूप से समझना है कि भाई स्त्री पुरुष कोई नहीं, तो जीव है जो कर्म के अनुसार किसी को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, किसी को पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ, है ना। सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं कि हम कहें भाई भाई मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये स्त्रियां भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो क्या अंतर पड़ता है। जैसे कि ब्रह्मचारी साथ साथ बैठे हैं, ऐसे जो है ना जो स्त्रियां हैं ब्रह्मचारी हैं सब जैसे चाहे वैसे बैठे हैं, जैसे चाहे उठें चलें फिरें, हम लोग तो सब आत्मा हैं। तो ये नहीं है, व्यवहारिक में नहीं इसको जो है ना लागू करना है, सिद्धांत में लागू करना है। प्रभुपाद लिखते हैं, बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। ये प्रकृति ने जो शरीर दिए हैं इसलिए दिए हैं फंसाने के लिए। स्त्रियां हैं
जब पुरुष के संपर्क में आती हैं तो फिर उनके बहुत से काम शुरू हो जाते हैं, विस्तार इंद्रिय तृप्ति के विस्तार बहुत शुरू हो जाते हैं। और पुरुष स्त्री के संपर्क में आता है तो फिर उसकी बहुत आवश्यकताएं बढ़ जाती है और वो आत्मज्ञान की जो आवश्यकता है वो समाप्त हो जाती है और भौतिक जीवन की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जब तक पुरुष स्त्री नहीं मिलते हैं तब तक पुरुष की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अपना कहीं भी खा लेगा, कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी सो जाएगा, कहीं भी रहेगा। जैसे वामन भगवान कहे तीन पग की जमीन चाहिए मुझे, तो तीन पग की जमीन में भी वो व्यक्ति जो ना अपना काम चला लेता है, तीन कदम की जमीन चाहिए उसमें अपना बैठेगा, सोएगा, रहेगा, खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जब स्त्री के साथ में होता है तो फिर उसके लिए वो कम पड़ती है। तीन पग जमीन क्या, 300 गज जमीन भी कम पड़ती है उसके लिए, फिर 3 एकड़ भी कम पड़ती है ना। और इसीलिए जो है ना फिर वो स्त्री को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़े बड़े जो है ना गगनचुंबी भवन बन रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, 100 मंजिल के और 200 मंजिल के जो मकान है वो इसीलिए बन रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना। और चूंकि हमारे शास्त्रों में इन चीजों को जो है ना नियंत्रित किया गया है, इसीलिए जो है ना भारतवर्ष ने इस मामले में उन्नति नहीं करी। इस मामले में भारतवर्ष ने इसलिए उन्नति नहीं करी, आजकल की वैज्ञानिक उन्नति जो हो रही है बहुत ज्यादा, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतने हवाई जहाज चल रहे हैं, इतना है ना वो सब जो हो रहा है, तो ये भारतवर्ष ने क्यों उन्नति नहीं करी, जबकि भारतवर्ष के पास तो बहुत ज्ञान था, क्यों उन्नति नहीं करी? क्योंकि स्त्री पुरुष में जो आकर्षण है उसको चूंकि घटाया गया, नियंत्रित किया गया, इसलिए भारतवर्ष ने इस मामले में उन्नति नहीं करी। लेकिन जो विदेश लोग जो उन्नति कर रहे हैं वो इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि आकर्षण बढ़ रहा है, वो रोकते नहीं इस आकर्षण को, इस कारण से इन चीजों में उन्नति हो रही है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आश्रम से कहां विदेह नगरी, वहां पर महल में पहरेदार थे, और पहरेदार किसी व्यक्ति को देखते हैं ऐसी स्थिति में कैसे हैं, वस्त्र नहीं है तो क्या सोचेंगे, पागल है, तो बाहर कर दिया, नहीं आना। तो इतने विनम्र थे कि वहीं खड़े रहे, बिल्कुल धूप भी लग रही थी और जो है ना बिल्कुल खुली धूप में और जो है जमीन भी गर्म थी, लेकिन सिर झुका करके खड़े हो गए बिल्कुल विनम्रता पूर्वक। तो एक जो है द्वारपाल को दया आई तो उसने अंदर बुला लिया और छाया में उनको बैठने दिया। इसके बाद फिर जो है जनक जी को समाचार मिला कि सुखदेव आए हैं, सुखदेव जी आए हैं। तो उस समय जनक जी ने परीक्षा करने के लिए सुखदेव गोस्वामी की स्त्रियों को भेजा, जो सुंदर जो है सजी हुई स्त्रियां थी उनको भेजा। अब वो जो है लेवा ले गई सुखदेव गोस्वामी को अंतःपुर में, और वहां पर वो स्त्रियों की सब चेष्टाएं करती हैं, हाव भाव दिखाती हैं, स्नान कराती हैं, अपने हाथ से उनके जो है ना अंगों को छूती हैं। और जनक महाराज जो है ना ये परीक्षा के लिए ये सब जो है व्यवस्था कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की परीक्षा के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी में कोई इसका जो है ना हर्ष या जो है ना उद्योग नहीं हुआ इस कारण से, और वो जो है ना सैया में सोए, उन्होंने कई प्रकार के व्यंजन खिलाए, अपने हाथ से भोजन खिलाया सुखदेव गोस्वामी को, उनके शरीर में जो है चंदन का लेप किया, सब कुछ किया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को कुछ भी इससे जो ना असर नहीं पड़ा, कोई आकर्षण नहीं हुआ। और वो जो है फिर सोते समय भी रात में वो भगवान का चिंतन करते करते फिर रात्रि के मध्य भाग में वो लेटे और फिर से अंतिम भाग में उठ गए। इसके बाद फिर जब सवेरा हुआ तब जनक जी अपने मंत्रियों के साथ आए तो सुखदेव गोस्वामी का आदर करने के लिए, क्योंकि गृहस्थ है अपने को नीचा समझता है, तो सुखदेव गोस्वामी तो पलंग पर बैठे और जनक महाराज जो है आकर के जमीन में बैठे नीचे और उनके पैर धोए अपने हाथ से जनक महाराज ने, राजा है लेकिन वो नीचे बैठे हैं जमीन पर और सुखदेव गोस्वामी पलंग पर बैठे हैं और उनके पैरों को जो है अपनी गोद में रख करके और जनक जी जो है सुखदेव गोस्वामी से बात करते हैं। तो मतलब इसमें ये मैं बताना चाहता हूं कि एक गृहस्थ जो है कितनी भी ऊंची स्थिति हो लेकिन वो जो है अपने को नीचा समझता है, ये शिष्टाचार है कि वो अपने को नीचा समझे, वो अपने को मुक्त ना समझे।
शिष्टाचार है। फिर जनक जी ने सुखदेव जी को बताया कि आप में जो है ना इतनी योग्यता है हा? कि इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, आप इतने योग्य हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, यही आपकी कमी है। सुखदेव गोस्वामी को यह बताया कि आप जो नहीं समझ रहे हैं आपकी इतनी ऊंची स्थिति, यही आप में कमी है और कोई कमी नहीं है। इस तरह से जनक जी से फिर सुखदेव गोस्वामी मिलकर के फिर ब्यास जी के पास वापस आए। तो ये जो है ना सच्चरित्र है। अब एक और चर्चा इसमें की जा सकती है कि कभी कभी कहा जाता है कि स्त्रियों का जो नग्न स्नान है वो जो है अनुचित है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब दसवें स्कंद में कथा आती है कि जो ब्रज की कुमारियां थीं वो नग्न स्नान कर रही थीं, तो भगवान ने कहा था कि तुमने वरुण देवता का अपराध किया इसलिए तुम लोग हाथ जोड़ो उनसे। तो वहां पर जो है कभी कभी ये कहा जाता है कि शिक्षा के लिए कि स्त्रियों को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसके श्लोक के तात्पर्य में भी हमने पढ़ा है ऐसा कुछ नहीं है कि नग्न स्नान करने में कोई दोष होता है, ऐसा कहीं नहीं है। यहां पर भी कहीं ये नहीं बताया गया कि नग्न स्नान करने में कोई दोष होता है। लेकिन भगवान ने जब कहा उन कुमारियों से कि तुमने नग्न स्नान किया, वो एक दूसरे कारण से कहा। भगवान उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे, उनके त्याग की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए भगवान ने कहा कि तुमने वरुण देवता का अपराध किया है कि तुमने नग्न स्नान किया। लेकिन वास्तव में नग्न स्नान में वैसे कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहां पर भी और वहां पर भी कहीं तात्पर्य में नहीं लिखा। और इसके अलावा नवे स्कंद में भी आता है एक घटना, शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा की पुत्री थी वो अपनी सखी देवयानी के साथ जल सरोवर में स्नान कर रही थी, और कई उनकी सखियां भी थी या दासियां थी, वो सब नग्न स्नान कर रही थी। तो शिव जी को जब देखते हैं पार्वती के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो सब कन्याएं जल से बाहर आकर के और वस्त्र धारण कर लेती हैं। तो वहां भी तात्पर्य में ऐसा कहीं लिखा है कि नग्न स्नान करने में कोई दोष है। तो यहां हमने कुछ चर्चा की है इस श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा हो सकती है या कोई प्रश्न हो सकता है, या मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न है। तो कृष्णप्रिया प्रभु कह रहे हैं कि एक ऐसे भी स्थान में प्रभुपाद जी गए थे जहां के लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं, वहां भी जाकर के प्रभुपाद ने प्रचार किया। प्रभुपाद जी की स्थिति ऐसी थी, हाँ प्रभुपाद जी की स्थिति ऐसी थी, सुखदेव गोस्वामी जैसी थी, लेकिन समझ नहीं है कि प्रभुपाद ने कभी दिखाया नहीं इस चीज को, यही बताया नहीं, या किसी को उत्साहित नहीं किया कि तुम भी करो, ऐसा प्रोत्साहन नहीं दिया। यही अंतर है। और जो व्यक्ति इस तरह से दिखाता है, तो हमने फिर इसके उदाहरण दिए हैं कि जिसने इस तरह का दावा किया कि भाई मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूं, तो वो गिरा जरूर है कि नहीं। शंकर जी तक अगर गिर सकते हैं, तो कौन कह सकता है कि भाई मैं जो है ना मतलब ऐसा हो गया हूं, इतनी ऊंची स्थिति में हो गया हूं, कोई दावा करे कैसे प्रभु जी। हाँ धन्यवाद, प्रभु जी बता रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक शिष्टाचार की बात है कि भक्ति सिद्धांत महाराज से जो है उनके शिष्य थे अवध बिहारी लाल कपूर, तो उनकी जो पत्नी थी वो अलग से बात करना चाहती थी गुरु महाराज से, और गुरु महाराज यानी भक्ति सिद्धांत महाराज की अवस्था शायद 60 साल की थी उस समय, है ना, और वो जो है ना उसके पिता जैसे थे, उनके अपने शिष्य की पत्नी के पिता जैसे थे, और वो शिष्य भी थी। लेकिन जब उसने कहा कि मैं अलग से बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। इसके अलावा दूसरी और भी घटना है कि जब उनकी बहन खुद आई थी उनके घर में, अपने शिष्यों से घिरे हुए थे, हैं, तो उनका ही घर था और वो कमरे में शिष्यों के साथ बैठे थे, और जैसे उनकी बहन आई कुछ बात करने के लिए, कुछ घर की बात थी, तो शिष्य लोग जो है ना ये सोच करके कि कुछ घर की बात है, तो वो अपने आप बाहर निकल गए, ये शिष्टाचार सोच करके, ये शिष्टाचार है कि अपने घर की बात कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ने उनको डांटा कि तुम लोगों ने जो है ना मुझको माया के साथ क्यों छोड़ दिया।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी कभी इस बात का दावा नहीं किया। तो यही विनम्रता है, जो भक्त है उसके अंदर इतनी विनम्रता होती है। और कोई भी व्यक्ति जो ना अगर ये दावा करे कि भाई मैं ऐसी स्थिति में हो गया हूं, तो वहीं पर ही वो गिर जाएगा, क्योंकि भक्ति समाप्त हो जाती है। भक्ति तब तक रहती है जब तक आप विनम्र रहते हैं। और जहां आपने सोचा कि भाई मैं भक्त बन गया, वहीं पर ही आपकी भक्ति चली गई। और कोई चर्चा? हाँ प्रभु। हाँ बता रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक बहुत अज्ञान है ये। तो एक बड़ी अच्छी एक बात जो है ना उठाई है कृष्ण प्रिया प्रभु ने, इस पर हमें थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो क्या कहते हैं कि चूंकि आदमी और स्त्रियां जो है ना कपड़े धारण करते हैं, इसलिए उनके अंदर जो है ज्यादा इन चीजों के में आकर्षण होता है। और जैसे पशु है वो कपड़े नहीं धारण करते हैं, इसलिए उनमें आकर्षण नहीं होता है ना। तो इसलिए आदमी और स्त्रियों को भी कपड़े नहीं धारण करने चाहिए और पशुओं की तरह रहना चाहिए। तो पशुओं की तरह मतलब वो रहेंगे, मतलब क्या मतलब कोई तनाव नहीं रहेगा। पशुओं की तरह अगर रहें, स्त्री और पुरुष कोई भी कपड़े ना धारण करें और ऐसे रहें जैसे पशु रहते हैं, तो कोई तनाव नहीं रहेगा। बड़ी अच्छी स्थिति है, कितने अच्छे विचार हैं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के ये विचार हैं कि इस तरह से जो है मतलब स्त्री पुरुष जो ना कपड़े ना धारण करें, साथ साथ रहें, कोई दूरी ना रहे, कोई वो ना रहे, स्वच्छंद रहे बिल्कुल। वही तो रजनीश का सिद्धांत है, रजनीश का भी यही सिद्धांत है। उसका यही कहना है कि भाई आप जो है ना इतना भोग लो। गीता में भगवान क्या बताते हैं? काम क्या है? अग्नि है, काम अग्नि है। इसमें आप जितना भोग डालोगे उतना और अधिक प्रज्वलित होगी, है ना। क्या है गुप्त अंग विशेष रूप से ढके रहते हैं, है कि नहीं? पशुओं के, पक्षियों के जो अंग हैं वो भी ढके रहते हैं। पक्षी के देखो कितना वस्त्र है, है कि नहीं? तो वस्त्र जो है बहुत जरूरी है ना। और दूसरी बात है कि वो जो है तमोगुण में है, तमोगुण में ये मनुष्य रजोगुण में, रजोगुण से काम क्रोध ये उत्पन्न होते हैं। पशुओं में तो तमोगुण है, तो आप पशुओं के साथ मनुष्यों की तुलना ना करो। मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो रजोगुण में काम के प्रभाव से, फिर तो कितना ज्यादा वो अग्नि पैदा होगी, काम अग्नि रजोगुण में। मनुष्य रजोगुण में है और पशु पक्षी तमोगुण में। अगर आप बनना चाहें तो इसी प्रकार से, तो आपको पशु का जन्म मिलेगा। जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है, जिस प्रकार से अपने शरीर को नग रखता है, तो प्रभुपाद कहते हैं उसको वृक्ष का भी शरीर मिल जाता है। वृक्ष बनेंगे, कितने वृक्षों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप भी बढ़ाओ वृक्षों की संख्या। नलकूबर मणिगिरी नग्न खड़े रहे, नारद जी निकले उनको प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो वो सोचते हम बहुत ऊंची स्थिति में आ गए हैं। नलकूबर मणिगिरी अपने को बहुत ऊंची स्थिति में समझ रहे, हम बहुत ऊंची स्थिति में आ गए हैं कि हमें कुछ भी अब अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कोई भी निकले, कुछ भी करे, हम क्यों प्रणाम करें, हम क्यों झुके, अकड़े हुए खड़े रहे, नग्न खड़े रहे, तो क्या हुआ? प्रणाम क्या हुआ? वृक्ष बन गए। और जो चित्रों में भी जो स्त्रियां आपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं, अपने अंगों को जो है ना खोल करके जो दिखाती हैं स्त्रियों में चित्र जो दिखाते हैं, तो वो स्त्रियां जो है ना वृक्ष बनेंगी। स्त्री जाति के वृक्ष हैं
और पुरुष जाति के वृक्ष हैं। जो पुरुष है वो पुरुष जाति के वृक्ष बनेंगे, स्त्रियां वो स्त्री जाति की वृक्ष बनेंगी, वृक्ष योनि में आएंगे, क्योंकि वृक्ष बहुत ऊंची स्थिति में होता है, नग्न खड़ा है, कुछ भी उसको चिंता नहीं है कि कौन आ रहा है, किसी को नमस्कार नहीं करता, किसी को प्रणाम नहीं करता, है ना, तो वृक्ष बन जाएंगे, है ना। और कुछ किसी को कुछ कहना? हाँ प्रभु, राधाचरण प्रभु कह रहे हैं कि आजकल की सभ्यता उल्टी है, पशुओं को कपड़े पहनाए जा रहे हैं और मनुष्य को जो है ना कपड़े घटाए जा रहे हैं, ये आजकल की सभ्यता है, है ना। तो पशुओं को आदमी बना रहे हैं और आदमी को पशु बना रहे हैं, आजकल की ये सभ्यता है। अच्छा हाँ प्रभु, नहीं इसमें कहा गया अनुयांतम, अनुयांतम ऋषिम आत्मजम, अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं व्यास जी, सुखदेव आगे जा रहे हैं और व्यास जी पीछे जा रहे हैं। तो पहले सुखदेव जी निकले तो स्त्रियों ने वस्त्र नहीं धारण किए। हाँ अनुवाद, अनुवाद को फिर से आप सुनिए। इसमें कहा है जब श्रील व्यास देव अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यास देव स्वयं नग्न ना थे लेकिन जब उनका पुत्र उधर से गया तो उन्होंने वैसा नहीं किया। हाँ इस अनुवाद से ऐसा लगता है कि शायद सुखदेव गोस्वामी बाद में आए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले बता दिया कि व्यासदेव अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे। हाँ प्रभु, जैनियों में जो है दो प्रकार के श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं जैनियों में। दिगंबर का मतलब है नग्न, दिक का मतलब दिशाएं, अंबर माने वस्त्र, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, दिशाओं का ही वस्त्र उसने धारण किया, मतलब कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर कहलाते हैं, श्वेतांबर दिगंबर। खैर अभी हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन यहां पर यही बताया जो वैदिक सभ्यता है वो ये है। हाँ प्रभु, इनका प्रश्न जनक महाराज के अभी तक थे सुखदेव गोस्वामी के समय? नहीं, जनक सभी को कहते हैं, जितने मिथिला के राजा हैं सब जनक कहलाते हैं, जनक के पुत्र भी जनक कहलाते हैं, ये संस्कृत की व्याकरण है इस तरह की। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, दशरथ के पुत्र दासरथी, लेकिन जनक के पुत्र जनक ही कहलाते हैं, ये सब जनक कहलाते हैं। लेकिन भगवान राम के जो ससुर थे वो शिरध्वज नाम के जनक थे, और कृष्ण के समय में जो जनक थे वो बहुलास नाम के जनक थे, ठीक है, ये सब जनक कहलाते हैं या वैदेह कहलाते हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम भी हैं। और श्रीमद् भागवत में वंश परंपरा में सबके नाम बताया कि उनके पुत्र कौन हुए, फिर उनके पुत्र कौन, ये सभी वैदेह हैं, आत्मज्ञानी हैं, जनक हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जगद्गुरु शीला प्रभुपाद की।